नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम आए हैं नोएडा हाट सरस मेला। जी हां, नोएडा हाट में सरस मेला लगा है और ये नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि इसमें आपको कपड़ों से लेकर आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस सरस मेले में क्या कुछ खास है इस बार और आप कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे ज्यादा। चलिए मेरे साथ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि सरस मेले में अलग अलग स्टेट्स के भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना से ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आए हैं। इसमें सूट के पीसेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, और यहाँ पे साड़ियाँ भी हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, तो उस स्टेट्स के भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। हिमाचल प्रदेश की देखिए, हिमाचल प्रदेश की टोपी पहने ये जनाब बैठे हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं, और हिमाचल से भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम आए हैं आंध्र प्रदेश के स्टोर पे। आंध्र प्रदेश से आप क्या कुछ खास लेके आए हैं लोगों के लिए? कलमकारी सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी और कलमकारी दुपट्टा और मटेरियल, ड्रेस मटेरियल। ओके, ये क्या है सर? साड़ियों में आप कुछ हमें दिखा सकते हैं साड़ियों में किस टाइप के हैं? ये सब कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ी, हाँ। और सिल्क साड़ी ये इस तरह। ये सिल्क साड़ी। हाँ, सिल्क साड़ी। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट है आपके साड़ियों के? 1200 से स्टार्ट। अब हम आ गए हमारी अगली शॉप मणिपुर के शॉप में, जहाँ पर आप देख रहे हैं रंग बिरंगे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैम, आप मणिपुर से हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं प्रेमावती, मेरा नाम प्रेमावती है, वो हम लोग सिलीगुड़ी है। आप मणिपुर से क्या कुछ खास लेके आई हैं? ये मोइरांग भी दुपट्टा है, ये वाला ठीक है, प्योर कॉटन का, ये मसलाई कॉटन का दुपट्टा ही है। और ये मोइरांग भी साड़ी, ये प्योर मसलाई कॉटन का साड़ी ही है। और ये रशियन सिल्क मोइरांग की साड़ी वही है। शॉल भी लेके आए, सब कुछ जी। सबसे ज़्यादा ये जो कलर आप यहाँ पे दिख रहा है, ये कलर लोग बहुत पसंद करते हैं और स्पेशली इस कलर को लेके जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हमारे दिल के करीब है अगर ये कपड़ा हमारे पास है। जी जी जी, ये सबसे तो मोइरांग की ये दुपट्टा है ना, सबको लेडीज लोग को तो ये सब पसंद होता है ये सब, क्योंकि प्योर कॉटन में तो सोप होने से तो यूज़ करने से वो को भी कम होता है ना, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होता है जी। रेंज कहाँ से स्टार्ट है मैम? स्टार्टिंग का तो मैं कैसे, हाँ ये 250 से, जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो फंक्शन होने से ना जेंट्स लोग का ये देता है ठीक है, ये बोला लाइट रेट का। और ये भी 750 से स्टार्टिंग तक 7000 तक है। और ये दुपट्टे जो हैं, ये बोला 2500 का है ये दुपट्टा, 2500 का, ये प्योर कॉटन। और साड़ी? साड़ी ये 4800 और ये वाला 7000 का है, मोइरांग की साड़ी जी। तो इस बारी आप लोगों को ये जो है मौका मिला है लखपति दीदी बनने का, तो आपको क्या लगता है आप लखपति दीदी बन के जाएंगी? जी ऐसा ही है, मैं सोचा था लखपति दीदी बन के जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लखपति दीदी बन के जाएं, यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें आप लेके आए हैं। ये साड़ियाँ जो बना है, ये पूरा का पूरा कांचीपुरम और कर्नाटका का जो प्योर सिल्क होता है, जैसे हम ओरिजिनल साड़ीज़ को बनाते हैं उसी से जो बचा होता है उस सिल्क से हम बनाए हैं, जो ज़ीरो वेस्टेज आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो ये साड़ी बन रहा है और वेरी इकोनॉमिकल है। अभी 2500 में जा रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑल ओवर इन दिल्ली, सूरजकुंड, जहाँ भी हम लगा रहे हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम। एंड ऑल्सो सरस हैज़ टेकन दिस टाइप ऑफ दिस वन टू, लेके आ रहे हैं मार्केट में, इसके वजह से हमें भी बहुत हेल्प हो रहा है कि मार्केटिंग ईजी हो रहा है और गैलरीज में जगह भी दे रहे हैं सरस से, सो इट इज़ गुड फॉर अस टू कीप आवर थिंग्स इन द गैलरी एंड वी कैन गो थ्रू सरस हेल्प।
हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र कौर है, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरे समूह का नाम नवी किरण है। हम ग्रुप में 10 लेडीज़ हैं, वैसे हमारे गांव में 10 ग्रुप बने हैं। तो हम फलकारी और वूलन का काम करते हैं। ट्रेड फेयर में मैं वूलन ही लगाती हूँ, हाथ का बना हुआ। और यहाँ फलकारी के सूट, फैंसी सूट हैं फलकारी के, दुपट्टे हैं और कुर्तीज़ भी हैं बीच में। तो हम 2005 से वैसे शुरू किया था, तो जब से अजीब का है तो इसमें जुड़े, तो इसमें और भी लेडीज़ जुट गई। पहले कम ग्रुप थे, अब ज़्यादा हो गए। तो मैंने भी बहुत कम लेवल से काम शुरू किया था, कि मेरे पास कुछ नहीं था, पता भी नहीं था हमें कि कैसे बाहर आके काम करना है। कैसे पता भी नहीं था, सेल करने का पता नहीं था। कि आज हम, मेरे साथ 5 गांव की लेडीज़ जुड़ रही हैं, काम कर रही हैं, उनसे काम करवाती हूँ, फिर मैं आती हूँ। इसीलिए हम खुश हैं सर से अजीबका के भी यहाँ, खास करके यहाँ अफसर लोग हैं जो, जैसे कटारिया सर हो गए, ऐसे चरणजीत सर हो गए, हमारी बहुत मदद करते हैं। हमें हर साल बुलाते हैं, खुद भी ये कहते हैं कि आपने आना है। तो मैं हर बार यहाँ सरस मेला लगाती हूँ, नोएडा में भी और ट्रेड फेयर में भी। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें बुला भी रहे हैं। लखपति दीदी का मेरा इस बार लगा भी है, बाहर पोस्टर भी लगा है। जी, लखपति दीदी का आपका पोस्टर लगा है बाहर? बाहर मेन मेरा ही लगा है। तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि हमारा, हम इस यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ, गाँव में कुछ भी नहीं आता था हमें, पढ़े लिखे भी नहीं है हम, 5 पढ़े हुए हैं। आज हमें अपने आप पे होता है कि हम जहाँ सोचा भी नहीं था वहाँ तक पहुँच गए। आज हमारी इनकम लाखों में है, कहाँ हमें पता भी नहीं था। एक एक पैसे को तरसते थे और अकेली कमाने वाली हूँ। 10-12 साल से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही अकेली थी। 4 बच्चे थे मेरे, बच्चे की शादी भी कर दी, छोटी बेटी पढ़ भी रही है और लेडीज़ को भी काम दे रही हूँ, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जैसे कि आज हमारे पटियाला ज़िले में हमारा नाम है, यहाँ भी हमारा नाम है, दिल्ली में तो खास करके हमें बुलाते हैं, ज़िले में भी, गांव में भी इज्जत बनी हुई है। आज खुशी है कि हम सरस अजीबका में आके यहाँ तक पहुँच गए। आप लखपति बन गई हैं, आपकी फ़ोटो गेट पे लगी है, तो आप दूसरी जो महिलाओं के लिए, उनके लिए आप एक आइडियल बन गई हैं और आप दूसरी महिलाओं को मदद भी कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मदद कर रही हूँ, मैंने अभी गांव में भेजी है, वहाँ हमारे ऑफिस में भेजी है पटियाला में। तो सभी को खुशी होती है, जो भी ऑफिस में आते हैं देखने, सामान चेक करने, पहले मेरे पास ही आते हैं कि उसके पास जाना है, कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें करता है। तो अब हम आए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेघालय की शॉप है और यहाँ पे हाथ से और बेत से बनी हुई है ये चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, जैसे ये फ्लावर पॉट भी है, आप कह सकते हैं ये ग्लास भी बना रखा है, और इन पे आप सामान भी रख सकते हैं, आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, आप अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रख सकते हैं। यहाँ पे ये भी है जो बहुत प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है, आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको झूरी बोलते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे कि पूजा के लिए फ्लावर वगैरह अगर लेना हो तो इस पे डाल के आप मंदिर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनी हुई है। ये भी बास्केट है और इसमें भी आप फ्रूट रख सकते हैं और अपने डाइनिंग टेबल पे सजा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती है, आपके घर को जो है वो एक यूनिक डिज़ाइन देता है और लोग बहुत पसंद करते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ों को रखना अपने घर पे, सो दैट कि दूसरा अगर कोई आए तो वो भी पूछे कि आपने ये कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे सरस आजीविका गई थी और वहाँ से लेके आई हूँ, तो वो भी तुरंत यहाँ आएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें देखिए कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने हाथ से ये बनाया है और लोग बेहद पसंद करते हैं इनको। नमस्ते, मेरा नाम संध्या रानी है, मैं उड़ीसा से आई हूँ, हमारा गांव केंद्रापड़ा की है। हमारा ये गोल्डन ग्रास का सामान है जो हाथ से बनता है और खेतों में जो होता है, जो घास यूज करते हैं ना, जिसको जालने के लिए यूज करते हैं, हम लोग उसके ला के सुखा के इसके में सारा चीज़ बनाते हैं, जिसके 2 पैसा आ सके, क्योंकि इसमें रॉ मेटेरियल के लिए पैसा खर्च नहीं होता है। जैसे कि मार्केट से रॉ मेटेरियल आने के पैसा चाहिए, हम गाँव के लोगों को पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो खेतों में जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत ले आते हैं और घर के काम के साथ साथ ऐसे बनाते हैं। जैसे कि ये रोटी का बक्स है, रोटी रखने के लिए 400 के बेचते हैं, और ये है फूलदानी, जैसे फूल रखने के लिए,
और ये फूड बास्केट है, जैसे फूड रख सकते हैं, कुछ भी खाने का सामान भी रख सकते हैं। और इसमें ना क्या कि प्लास्टिक से बहुत अच्छा है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। रोटी रखो तो रोटी गैस नहीं होता है और रोटी गीला भी नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये 5-10 साल तक ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि एक ग्रास ना पानी में होता है, तो पानी में जितने भी धो ये ख़राब नहीं होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। और सेल भी बहुत अच्छा हो रहा है, 3 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, बहुत अच्छा सेल हो रहा है और यहाँ बेच के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज को 5-6 दिन हो गया और अच्छा भी सेल हो रहा है, सामान भी ख़त्म हो रहा है, फिर से सामान मंगाए हैं हम लोगों ने, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि सरस मेला में आए हैं और ये ना देखा हो तो फिर क्या देखा आपने, तो हम बाकी इनसे जानते। दीदी सबसे पहले आपका नाम? रूपा मंडल। आप वेस्ट बंगाल से आई हैं और तात की साड़ियाँ लेके आई हैं, लोग बेहद पसंद करते हैं, कितने प्रकार की तात की साड़ियाँ लेके आई हैं? मेरे पास लीलन है, मौसलिन ढाकाई है, मेरे जामदानी है, सब जामदानी है, तसर का साड़ी है, मेरा अलग अलग प्राइस है, अलग अलग साड़ी है मेरे। प्राइस मतलब कहाँ से स्टार्ट है? 10,000। अच्छा, और अब तक कितने लोगों ने खरीदा है ये तात की साड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं यहाँ के लोग? कॉटन भी पसंद करता है, सिल्क कॉटन, प्योर कॉटन, ये जामदानी है, मुस्लिम जामदानी है जी। ये तात का साड़ी है, ओरिजिनल तात का बुनाया हमने, ये भी सब साड़ी है, अलग अलग आछे जी। अच्छा, जैसे सरकार ने ये एक ऐलान किया था कि लखपति दीदी, तो लखपति दीदियों में आपको लग रहा है कि ये सब मतलब काम आएगा और लोग आ रहे हैं और ले पा रहे हैं लोग, क्योंकि लोग पसंद भी कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, तो लखपति दीदी आप बनेंगे इस बारी? हाँ, लखपति दीदी बनेंगे आप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हरियाणा से आए हैं और किस तरह से ये बजा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सरस मेला जो होता है, सरस आजीविका मेला इसी को कहते हैं, जहाँ पे मौज मस्ती होती है, सब कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लोग जो बजा रहे हैं, उसके बाद ये लोग डांस कर रहे हैं खुशी से, और इसी खुशी को देखने के लिए सभी लोग आते हैं। तो सरस आजीविका मेला अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, और ये नोएडा हाट में ही है, और यहाँ पे आके आप भी इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइए, और अपडेटेड स्टोरीज के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, मेरे साथ है कुलवंत सिंह। ओ, 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 ओ,